नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। आज बात करेंगे हरिद्वार की, जहां के सिडकुल के आसपास रावली मेहदू क्षेत्र में एचआरडीए के द्वारा कॉलोनी सील किए जाने के बावजूद भी प्रॉपर्टी डीलर्स के लुभावने सपनों में आकर कहीं आप भी ऐसी कॉलोनी में प्लॉट और मकान तो नहीं खरीद बैठे हैं? जी हाँ, जो आपको सुकून का घर मिलने के बजाय पानी निकासी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। मीनाक्षीपुरम नामक कॉलोनी काटकर प्लॉटिंग बेचकर रफू चक्कर हुए प्रॉपर्टी डीलर पानी निकासी ना होने के कारण जलभराव की समस्या झेल रहे स्थानीय निवासियों का दुख दर्द आपको आज हम बताएंगे। हालांकि इस कॉलोनी को मानकों के अनुरूप ना काटे जाने को लेकर एचआरडीए के द्वारा इस कॉलोनी को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन एचआरडीए की सील को ताक पर रखकर प्रॉपर्टी डीलर्स ने भोले भाले लोगों को लुभावने सपने दिखाकर कॉलोनी की प्लॉटिंग कब बेच दी, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके चलते सड़कों से लेकर घरों तक जलभराव की स्थिति बढ़ती जा रही है और पूरी कॉलोनी धीरे धीरे तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है, कीचड़ नजर आ रहा है, गंदगी नजर आ रही है। ऐसे में लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि लोगों से लुभावने वादे किए गए थे, दावे किए गए थे और जल्दी जल्दी प्लॉटिंग यहां पर की गई, लोगों को मकान दे दिए गए, उनसे पैसे ले लिए गए, लेकिन ना तो यहां पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है, ना ही अब इनकी कोई सुनने वाला है। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद की रावली मेहदू स्थित मीनाक्षीपुरम कॉलोनी है ये, जहां पर पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं होने से मीनाक्षीपुरम कॉलोनी के लोग बेहद परेशान है। लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर ने कॉलोनी तो काट दी, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की, ना तो नालियां बनी हुई है और ना ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था है, जिसकी वजह से वो परेशान है। ऐसे में सारा गंदा पानी कॉलोनी में जमा हो रहा है और पूरी कॉलोनी धीरे धीरे तालाब बनती जा रही है। मीनाक्षीपुरम के कॉलोनी वासियों ने इस कॉलोनी को कटवाने वाले प्रॉपर्टी डीलर पर आरोप लगाया कि उन्होंने जब उनसे यहाँ प्लॉट खरीदे थे, तब उन्हें पानी निकासी से लेकर अन्य सभी सुविधाएं दिए जाने के बारे में कहकर वादा और दावे किए गए थे। अब उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा किया गया है और अब प्रॉपर्टी डीलर किसी भी बात के लिए उचित जवाब नहीं दे रहा है, जिसके लिए लोग बेहद परेशान हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। हम पूरे शासन प्रशासन और जितने भी यहाँ के मूल निवासी लोग हैं रावली महदूद के, उन्होंने चारों तरफ से इस कॉलोनी को सील किया है, पानी को बंद किया हुआ है। अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहता है कि अपने गांव के प्रधान को लाओ, और प्रधान को अगर बोलते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि आप उससे बात करो जिससे प्लाट खरीदा है। अगर उसके पास जाते हैं, वो कहता है कि आपने मुझसे थोड़ा ना प्लाट लिया, मैंने तो वहाँ बिल्डर डीलर बिठाया था, उससे प्लाट लिया है, उससे बात करो। तो ये बात घूम फिर के हम पिछले एक साल से समस्या को झेल रहे हैं। आज पानी की स्थिति यह है कि हमारे घरों में घुस चुका है पानी, पाइपलाइन भी जाएगा, उसके बाद आपका नाली हो जाएगा। आप उन लोग में मना कर दिए कि हम तो सरकारी पानी लेंगे, ले आप लोग का पानी ले लेंगे। अगले वाले कॉलोनी बोले उनके उनसे बात कराओ, रवि चौहान उनसे बात करने के राजी नहीं हो रहे, सुखबीर हैं, सुखबीर कर उनको बुलाओ, कोई आता नहीं यहाँ पे। मतलब हम लोग तो एकदम नर्वस हो गए, कहीं जाएंगे या कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, सारे हमने परेशान हो गए एकदम। एक कहाँ पैसे लगा के आदमी कहाँ से पैसे इकट्ठा करके जमीन लिया, अब करे पैसे इकट्ठा करो, कहाँ से हम लोग पैसे इकट्ठा करें। मतलब आदमी से संपर्क किया गया, विधायक साहब के पास हम लोगों की बात पहुँची, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं मिली, जिला पंचायत में भी सुनवाई नहीं मिली। सब जगह करने के बाद हम लोग पूरी कॉलोनी वासी सर हम बहुत परेशान हैं। हम उनके यहाँ धरना देने जाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ और मैं कल आऊँगा, और ऐसा करके सर वो आज कम से कम एक साल हो जा रहा है सर, बहुत परेशानी है, इसका समाधान कराइए। तो बहादुराबाद की रावली महदूद स्थित ये मीनाक्षीपुरम कॉलोनी है और कॉलोनी कम तालाब ज्यादा नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं मीनाक्षीपुरम कॉलोनी की, जहां पर लोगों के अच्छे खासे घर हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन इसी नरक में जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जब उनको ये प्लॉट बेचे गए, उनसे दावे किए गए, उनसे वादे किए गए कि जल्द ही जो भी जन सुविधाएं होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सालों बीत गए हैं, पानी निकासी की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। बरसात के मौसम में लगातार लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर है वो ना तो यहाँ आकर देखता है कि लोग कितने परेशान हैं और ना ही कोई जवाब देता है। गंदगी का अंबार इस पूरे
तालाब में लगा हुआ है। तालाब ही कहेंगे क्योंकि तस्वीरें ही ऐसी नजर आ रही है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। लोग इसी कीचड़ से निकलने के लिए मजबूर है। बच्चे जो है स्कूल इसी कीचड़ से होते हुए जाते हैं, रोजमर्रा का काम जो लोग करते हैं इसी कीचड़ से, इसी तालाब से उन्हें निकलना पड़ता है। तो समस्या बहुत बड़ी है लेकिन निजात नहीं मिल पा रही है। मेरे सहयोगी इंतजार रजा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मैं सीधे उनका रुख करूंगी। इंतजार, हरिद्वार के ब्लॉक बहादराबाद की रावली महदूद स्थित ये मीनाक्षीपुरम कॉलोनी है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, कॉलोनी कम दिखाई दे रही है मुझे और तालाब ज्यादा नजर आ रहा है, गंदगी ज्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल काजल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलोनी है ये ब्लॉक बहादराबाद के जो ग्राम पंचायत रावली महदूद है उसमें ये कॉलोनी बनाई गई है और प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कॉलोनी काटने के बाद, प्लॉटिंग बेचने के बाद यहाँ से रफ चक्कर हो गया है और स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर यहाँ पर शायद नेटवर्क की कुछ समस्या हो रही है जिसकी वजह से मेरे सहयोगी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये कॉलोनी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और पूरी कॉलोनी का यही हाल है। आप देखेंगे कि इस कॉलोनी में मकान अच्छे अच्छे बने हुए हैं, काफी संख्या में लोग भी रह रहे हैं लेकिन सड़क तो दूर की बात है, यहाँ पर पानी की निकासी भी नहीं है, ना सड़कें हैं ना नालियां हैं ना पानी की कोई निकासी है। बरसात के मौसम में यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि बताया गया है कि जब इस कॉलोनी को काटा गया था तब यहां पर प्रॉपर्टी डीलर को ये भी कहा गया था कि मानकों के अनुरूप ही वो काम करे लेकिन उसके बावजूद भी उसने जल्दी जल्दी लोगों को ये प्रॉपर्टी बेच दी और रफू चक्कर हो गया। आपको बता दें कि HRDA के द्वारा इस कॉलोनी को पहले ही सील कर दिया गया था, सील होने के बावजूद भी यहाँ पर कॉलोनी में प्लॉट काट दिए गए हैं, लोगों को बसा दिया गया है लेकिन अब उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। तो HRDA की तरफ से इस कॉलोनी को सील किया गया यानी कि एक्शन लिया गया क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी लोगों की, वो सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती, इस वजह से HRDA द्वारा इस कॉलोनी को सील किया गया था लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर है वो मानने के लिए तैयार नहीं था, उसने जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, मुनाफा कमाने के चक्कर में ये कॉलोनी काट दी है। मेरे सहयोगी इंतजार रजा एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, HRDA ने पहले इस कॉलोनी को सील किया तो आखिर कॉलोनी में प्लॉटिंग कैसे हो गई, कैसे लोगों ने मकान बना लिए, जो झूठे दावे और वादे किए गए थे उनका क्या? इंतजार, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद मेरी आवाज इंतजार तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगी कि दोबारा से इंतजार से संपर्क साधा जाए। नेटवर्क की कुछ समस्या लगातार बनी हुई है लेकिन लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया मेरा गांव मेरा देश में समस्या को, क्योंकि जन समस्या है और हमारा मकसद है और कहीं ना कहीं ये हमारा काम भी है कि हम ऐसी समस्या से आप लोगों को रूबरू कराएं ताकि इस समस्या से लोगों को निजात मिल सके जो जूझ रहे हैं और उन अधिकारियों तक ये मामले जो हैं पहुंच सके कि उनके क्षेत्र में उनके आसपास कितने लोग परेशान हैं, उनकी कोई सुनवाई कहीं तक नहीं हो पा रही है। तो मेरा गांव मेरा देश में आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की। सुरेंद्र तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय नागरिक, ऐसी कॉलोनी में रहते हैं। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम। सुरेंद्र जी, क्या समस्या है पहले तो ये बताइए कि कॉलोनी को बसे हुए कितने साल हो चुके हैं? मैडम एक्चुअली 2 साल हो गए और हम लोग जब प्लॉट लिए तो हम लोगों को बताया गया कि यहाँ बिजली पानी सड़क की व्यवस्था मिलेगी और हम लोग प्लॉट रजिस्ट्री करवा लिए। उसके बाद क्या हुआ कि ना तो सड़क बन रही है, ना तो नाली की व्यवस्था है, पानी की निकासी कहीं नहीं है मैडम, ये सारी समस्याएं हैं मैडम। तिवारी साहब, जो प्रॉपर्टी डीलर है जिसने यहाँ पर प्लॉटिंग की, जिससे आपने संपर्क साधा और तब यहाँ पर अपना प्लॉट खरीदा, मकान बनाया, उसका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? मैडम उनका कहना है कि अब तो हम प्लॉट बेच दिए और हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, आप लोग अपना देखिए तो कैसे करना है। तो हम लोग प्रशासन के पास भी गए, DM साहब के पास नोटिस वगैरह डाला गया लेकिन वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुई।
तो यहाँ पर जो प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से एचआरडीए की हम बात करें, एचआरडीए ने कॉलोनी को पहले ही सील कर दिया था। जी जी मैडम, एचआरडीए का नोटिस भी आया था हम लोगों के पास, फिर इनका क्या सेटिंग है, कैसे क्या है कुछ पता नहीं लगा, फिर उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया। और प्रशासन के पास जब गए तो उन्होंने बोला कि कॉलोनाइजर जो है वही कर सकता है। अब कॉलोनाइजर के पास जाते हैं तो कॉलोनाइजर बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अभी प्रॉपर्टी डीलर कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो फिर आम जनता इस पर क्या करे। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार मेरी आवाज के आप तक पहुंच पा रही है अब? जी। इंतजार स्थानीय लोग परेशान हैं क्योंकि लगातार उनके पास एचआरडीए की तरफ से भी नोटिस आ रहा है, क्योंकि एचआरडीए ने पहले ही इस कॉलोनी को सील कर दिया था, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने अपने मुनाफे के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में भोले भाले लोगों को यहाँ पर ये प्लॉट बेच दिए और अब पल्ला झाड़ लिया है। उसका कहना है कि अब हम प्लॉट बेच चुके हैं, अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको कैसे समस्या से निजात पानी है प्रशासन से बात करिए। इंसान कहाँ जाए, जो आम व्यक्ति है जिसने अपनी जमा पूंजी लगा दी है प्लॉट खरीदने में, वो कहाँ जाए? बिल्कुल काजल, देखिए मैं बता दूं आपको, ऐसे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो लगातार क्षेत्र में कॉलोनियां काट रहे हैं और कॉलोनियां काटने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जो संबंधित विभाग है डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो एचआरडी के द्वारा ऐसी तमाम कॉलोनियां या फिर निर्माणों को भी सील किया जा रहा है जो अवैध तरीके से या फिर मानकों के अनुरूप नहीं बनाए जा रहे हैं। उसी के चलते इस कॉलोनी को भी एचआरडी के द्वारा सील किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर ने लोगों को गुमराह किया है और लोगों को गुमराह करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा यहाँ पर वादा और दावे किए गए थे कि लोगों को यहाँ पर अच्छी सड़कें दी जाएंगी, पानी की व्यवस्था दी जाएंगी, जल निकासी की व्यवस्था दी जाएंगी, लेकिन अब पूरी कॉलोनी लगभग डेवलप होने वाली है और इस कॉलोनी की जो रास्ते हैं या फिर अगर हम पानी निकासी की हम बात करें तो पूरी कॉलोनी की जो सड़कें हैं वो भी तालाब में तब्दील होती जा रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, तो पूरी कॉलोनी वो दिन दूर नहीं है जब पूरी कॉलोनी आने वाले समय में एक बड़े तालाब के बनने की ओर इशारा कर रही है। और आने वाली जो बरसात है, बरसात के दिनों में इसमें प्लॉटिंग कितने साल पहले शुरू हुई थी और इस कॉलोनी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं, कितने परिवार यहाँ रहते हैं? लगभग 3 साल से कॉलोनी को डेवलप धीरे धीरे किया जा रहा था, लेकिन जब एचआरडीए हरिद्वार को इसके बारे में जब पता चला तो उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई भी की, इसको सील किया, लेकिन फिर भी एचआरडीए की कार्रवाई को ताक पर रखकर डीलर ने इस पूरी जो कॉलोनी है इसको डेवलप करने के लिए नए नए हथकंडे यहाँ पर अपनाए होंगे, लोगों को लुभावने सपने यहाँ पर दिखाए होंगे, जिसके चलते प्रशासन के ऊपर एक और जिम्मेदारी प्रॉपर्टी डीलर की जो लोगों के साथ धोखाधड़ी है उसके बाद यहाँ पर सामने आई है कि अगर अब शासन प्रशासन की ओर लोग इशारा कर रहे हैं कि हमारी जो पानी की निकासी की व्यवस्था है उसको करें, इसी के तहत लगातार एचआरडीए भी लोगों को यहाँ पर चेतावनी भी दे रहा है, समझा भी रहा है लोगों के, और ऐसी कॉलोनियों को यहाँ पर लगातार यहाँ पर सील करने की कार्रवाई कर रहा है, और लोगों को यहाँ पर अपील भी जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा की गई थी कि आप ऐसी कॉलोनियों में यहाँ पर मकान या प्लॉट खरीदे जो एचआरडी के द्वारा अप्रूव की गई है, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे लोगों को गुमराह करने के बाद इंतजार एचआरडी कह रहा है कि ऐसे जगह आप प्रॉपर्टी खरीदें जो कि एचआरडी अप्रूव्ड हो। दूसरी तरफ जो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर है वो कह रहा है कि अब मुझे मतलब नहीं है, मैंने प्लॉट बेच दिया है, अब आगे अपनी समस्या खुद सुलझाइए। जो आम व्यक्ति है वो कहाँ जाए, उसे कैसे पता है कि ये कॉलोनी एचआरडी अप्रूव्ड है या नहीं है? देखिए बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं कि जो लोग मकान या प्लॉट खरीदते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि वो जहाँ अपने पैसा लगाने के, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जहाँ फिर वो अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ की जो जांच पड़ताल है वो अच्छी तरीके से कर लें। तो वहीं मैं अगर प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा इस कॉलोनी को काटे जाने के बाद अब जो ये समस्या पैदा हुई है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रशासन को, जैसे कॉलोनी को सील किया गया है तो प्रशासन को अब उस प्रॉपर्टी डीलर या ऐसे जितने भी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर है जिन्होंने इस तरह कॉलोनी को डेवलप कर दिया है और लोगों को गुमराह कर अब शासन प्रशासन के भरोसे या फिर उनके हाल पर छोड़ दिया है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई का कोई ना कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिए ताकि ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को आने वाले समय के लिए सीख मिले और इस तरह की जो समस्या है वो दोबारा पैदा ना हो। केवल एचआरडी के द्वारा सील भर करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एचआरडी कॉलोनी को सील कर देता है। पंडित है, स्थानीय निवासी है इसी कॉलोनी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, क्या समस्या है और क्या समस्या को बताया गया है आगे प्रशासन को, प्रशासन क्या इस पूरे मामले पर एक्शन ले रहा है?
सर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे सर। पहले तो हम अपने गांव के जो प्रधान जी है हमारे यहाँ के ना, उनके पास गए सर, उन्होंने भी कोई समाधान नहीं निकाला मैडम जी से। तो फिर उनके पास उसके बाद एसडीएम के पास गए, एसडीएम ने भी कोई समाधान नहीं, तीन तीन चार बार एसडीएम साहब के पास भी जा चुके हैं जी, थाने में भी जा चुके हैं। ये जब कमल जी जब ये यहाँ पर आपने मकान खरीदा था, प्लॉट खरीदा था, तो किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया था, किस तरह के वादे किए गए थे प्रॉपर्टी डीलर द्वारा? यहाँ पे सर ये हमारा मकान है, ये हमारे मकान से थोड़ी दूरी पर ना चल के इस गली में हमारे रास्ते पर ना 5 फुट की निकासी दिखाई गई थी, मार्ग ना नाले की 5 फुट कॉलोनी में निकासी दिखाई गई थी, बोले यहाँ तो आपकी निकासी होगी पानी की, वह 5 फुट की जो जगह थी वो अभी बेच दी सर इन्होंने मैडम जी। यानी अभी तक ना तो नाले का निर्माण किया गया है, ना ही सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को पता था कि एचआरडी अप्रूव नहीं है ये जगह? मैडम जी इतना तो हमने जानकारी नहीं थी। क्या एचआरडी ने जब इस कॉलोनी को सील किया गया था, आप लोगों को पता था कि ये कॉलोनी जो है वो सील कर दी गई है एचआरडी द्वारा? ये एचआरडी के द्वारा फिर बाद में करी गई है, अभी मालूम नहीं उस टाइम पर हमने। कमल जी कुछ लोगों से और मेरी बात हुई है जो यहीं के निवासी स्थानीय लोग, उनका कहना है कि एचआरडीए द्वारा लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। कि नोटिस आपके पास भी आया है? नोटिस हमारे पास भी आया जी मैडम जी। तो आगे आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो जमा पूंजी पूरी लगा दी गई है घरों में जी जी, समस्या तो बन गई है लेकिन समस्या से निजात भी पाना है, तो आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्या सोचा है आप लोगों ने मिलकर? कलम पूरे इकट्ठे हो गए ना, कॉलोनी निवासी साहब इकट्ठे हो गए, पर डीलर के घर पर गए थे, उन्होंने उसकी वहां पे उसकी बाइक मिली थी, बाइक ने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ और कॉलोनी में भेज देंगे हम उन्हें, वे कॉलोनी में भी आए नहीं अभी तक भी। अच्छा, तो आप एक बार फिर से जाइए, क्योंकि जब तक आप चक्कर नहीं काटेंगे तब तक काम तो नहीं होगा, ये सच्चाई है। विधायक जी के पास भी चले गए यहाँ से, प्रधान जी के पास भी चले गए, जिला पंचायत जी के पास भी जो विधायक है वो क्या कुछ कह रहे हैं, विधायक साहब क्या कह रहे हैं? विधायक जी तो ये कह रहे बोले कि गांव का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। आप ये बता दो निकासी आपकी यहाँ है, हम रोड बनाने में भी तैयार है, नाली बनाने में तैयार। ठीक है ठीक है, विधायक साहब कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, गांव का मामला है। क्या विधायक साहब जब विधायक बने थे वोट मांगने आए थे यहाँ पर? हाँ जी, वोट मांगने भी आए थे। तो वोट मांगने वो कैसे आ सकते हैं जब उन्हें ये पूरा गांव का मामला है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो वोट क्यों मांगने आते हैं? आपने सवाल नहीं किया उनसे? वोट मांगने तो सभी आवेंगे मैडम जी। यानी सिर्फ वोट चाहिए, समस्या से निजात नहीं दिला सकते जी, सब अपने कामों से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। विधायक जी का कहने का तो मतलब ये है मैडम जी, वोट हर टाइम वोट एक टाइम पे तो सभी आता है, विधायक जी का कहने का मतलब ये है आप मर्द निकासी बता दो, बोलते हमारी निकासी है, हम रोड पे भी काम करवाने तैयार है, नाली पे भी काम करवाने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी निकासी हम नहीं कर सकते, निकासी हमारे जो भी करते हैं हमारे डीलर पर करवाओ जो आपके आपसे प्लॉटिंग करके बेची। ठीक है कमल पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि जिस तरह से इस खबर को हम उठा रहे हैं कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। इंतजार लोग परेशान है क्योंकि लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, ग्राम प्रधान नहीं सुन रहा है क्योंकि इंतजार। एक और चीज यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये कॉलोनी नगर निगम के तहत नहीं आती? नहीं, ये ग्राम पंचायत है, रावली महदूर ग्राम पंचायत में जो पाल जी यहाँ के ग्राम प्रधान है, विधायक यहाँ पर आते हैं चौहान जी। लेकिन अगर मैं विधायक की बात करूँ तो विधायक के द्वारा यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि पानी की जो व्यवस्थाएं, नाली हम बना देंगे, सड़कें हम बना देंगे, लेकिन आखिर जो वेस्ट पानी है उसकी जो जमा की जो व्यवस्था है कि वो पानी किस रास्ते से निकल के जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वो प्रॉपर्टी डीलर को पहले से ही करनी चाहिए थी कि मेरी जो मैं कॉलोनी यहाँ पर बना रहा हूँ इसका जो पानी है, जो निकासी है वो कहाँ पर होगी, क्योंकि विधायक किसी भी चीज की निकासी के लिए जगह उपलब्ध थोड़ा ही न कराएगा, वो तो जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको ये कराना चाहिए था। वही जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने लोगों के साथ यहाँ पर छल किया है, लोगों को गुमराह किया है यहाँ पर। क्या कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, कोई FIR दर्ज कराई गई हो? बिल्कुल बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं, देखिए स्थानीय लोगों के द्वारा साफ तौर पर बताया गया है और एक शिकायती पत्र भी SDM पूरण सिंह राणा हरिद्वार को यहाँ पर दिया गया है कि हमारी जो कॉलोनी है उसकी निकासी किस तरह आप कराइए या फिर प्रॉपर्टी डीलर है रवि चौहान, उन्होंने फोन उठा लिया है। रवि चौहान जी से बात हो रही है मेरी? हाँ बोल रहा हूँ सर, मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया जी? ठीक है सर, एक कॉलोनी है मीनाक्षी कॉलोनी,
जी मीनाक्षीपुरम कॉलोनी पूरा नाम है इसका, बहादराबाद में है जी। क्या आप जानते हैं ये कॉलोनी में किस तरह की समस्या है, लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, क्या आपके संज्ञान में है? हाँ जी जानकारी है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं सर, कैसे कोशिश होगी, क्योंकि मेरी स्थानीय लोगों से बात हो रही है, स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, जवाब ही नहीं देते। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बात कर रहे हैं उसमें, बात चल रही है। तो सर कब तक इसका निजात हो सके, क्योंकि कितने साल हो चुके हैं सर। देखिए बरसात के मौसम में लोगों को कितनी परेशानी होती होगी, क्योंकि तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल नरकीय जीवन हो चुका है लोगों का। जी जी नहीं नहीं अभी उम्मीद है कि 8-10 दिन में रिजोल्व हो जाएगी। 8-10 दिन में? चलो ठीक है रवि चौहान साहब, मैं फिर से 8-10 दिन बाद आपको फोन करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ही है। ठीक है सर, जी जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार रवि चौहान प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो समस्या है उसका निस्तारण कर लेंगे, 8-10 दिन का समय दिया है, इंतजार आप ग्राउंड जीरो पर बने रहिए। काजल इस खबर पर नजर बना के, बिल्कुल काजल मैं देखिए आपको बिल्कुल काजल देखिए मैं आपको बता दूं, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जो आश्वासन है पिछले एक साल से लगातार यहाँ पर मिलते आ रहे हैं कि जब भी किसी तरह कोई प्रेशर या इस तरह के धरना प्रदर्शन यहाँ पर होते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर लगातार यहाँ पर 10 दिन 15 दिन एक महीने का समय लोगों से लेते हैं, लेकिन फिर जो समस्या है वो जिसकी तस बनी रहती है। विधायक साहब तैयार है, गाँव के प्रधान जो है वो तैयार है, तो प्रॉपर्टी डीलर को समस्या क्या है, उसे यही तो बताना है कि कहाँ से निकासी होगी, कहाँ पानी जाएगा वेस्ट, नालियां बनाने के लिए विधायक साहब तैयार हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल काजल मैं आपको बता दूं कि विधायक नाली बनाने के लिए तैयार है, सड़क बनाने के लिए तैयार है, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर ने इस जो पानी यहाँ से निकासी होगी, आखिर ये पानी कहाँ जाएगा, किन नालों से इनको जोड़ा जाएगा, इसकी व्यवस्था नहीं की है। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने मोटे मुनाफे के लिए कॉलोनी की छोटी छोटी जमीनों को भी बेच दिया है, ताकि किसी तरह के एक बार मैं कोशिश करूंगी कि पूरन सिंह राणा जिसे मेरी बात हो जाए, SDM है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि एक बार उन्हें फोन मिलाने की कोशिश करें, ताकि नंबर बार बार बिजी जा रहा है, मेरी टीम बता रही है इंतजार कि नंबर बिजी जा रहा है, यानी कि वो फोन नहीं उठा पाएंगे अभी, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन SDM साहब को भी इस पूरे मामले में कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि बात सिर्फ एक दो घर की नहीं है, बात है कई परिवारों की और हजारों लोगों की। बिल्कुल काजल देखिए मैं आपको बता दूं कि HRD के द्वारा तमाम कॉलोनियों को यहाँ पर सील किया जाता है, लेकिन केवल सील मात्र से काम नहीं चलने वाला। मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी हरिद्वार को भी इस चीज को देखना होगा, HRD को इस चीज को देखना होगा, जो कार्रवाई है, कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि सील लग जाती है फिर बाद में सील को हटा दिया जाता है, और कॉलोनी का जो डेवलप है, जो प्लॉट की बिक्री खरीद-फरोख्त वो लगातार जारी यहाँ पर रहती है, और कहीं ना कहीं जो भोले भाले लोग हैं वो प्रॉपर्टी डीलरों के चंगुल में यहाँ पर फंस जाते हैं, और बाद में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो सरकार और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल, इंतजार में यही कहूंगी कि आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखें, क्योंकि आश्वासन हमें लगातार दिया है जो प्रॉपर्टी डीलर है उन्होंने, लेकिन बात यही है कि हर बार आश्वासन मिल रहा है, इस बार क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना होगा। ये जो परिवार है, ये जो लोग हैं, वो कितने दिन से यूं ही प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनकी सुनवाई क्यों नहीं, प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, प्रशासन इस पर एक्शन ले सकता है, प्रॉपर्टी डीलर पर एक्शन ले सकता है, कि जब HRDA ने इसको पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया था, सील कर दिया था, तो कैसे इसमें प्लॉटिंग हो गई, कैसे इसमें मकान बन गए? बिल्कुल ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर HRDA के द्वारा इस कॉलोनी को सील किया गया था, मानकों के अनुरूप ये कॉलोनी नहीं बनाई जा रही थी, लेकिन फिर भी इसमें मकान लगातार बनते गए, कहीं ना कहीं HRDA के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पर हालांकि नजर बनाए हुए थे, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने शातिर अंदाज में, शातिर तरीके से लोगों को लुभावने सपने दिखाते हुए और लोगों से झूठे वादे करते हुए लोगों को यहाँ ठगने का काम किया है, और लोगों से गुमराह लोगों को यहाँ पर किया है, और प्रॉपर्टी डीलर ने जो कॉलोनी की पानी निकासी की जो जमीन है उनको भी अपना जो पैसा है उसको कमाने के लिए, मोटा धन कमाने के लिए उनको भी यहाँ पर बेच दिया है, जिससे कि जो कॉलोनी के जो पानी निकासी है वो कॉलोनी से बाहर नहीं जा पा रहा है, जिससे पूरी कॉलोनी धीरे धीरे तालाब में तब्दील होती यहाँ पर जा रही है। और काजल मैं आपको बता दूं कि आने वाली बरसात है, और बरसात से पहले अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये लोग
पूरे तरीके से इनके घरों में पानी घुस जाएगा और पूरी कॉलोनी एक बड़े तालाब में यहाँ पर तब्दील हो जाएगी और लोग सड़कों पर यहाँ पर उतारे हो जाएंगे। तब इस प्रॉपर्टी डीलर को, सरकार को भी पूछना पड़ेगा, प्रशासन को भी पूछना पड़ेगा। अभी से ही प्रशासन को ऐसी रणनीति या फिर ऐसी कार्रवाई का जो नियम है वो तैयार करना चाहिए ताकि ऐसे और भी जो प्रॉपर्टी डीलर है वो तभी इस दायरे में आए और लोगों को ठगने का काम न कर सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो बात हो रही थी हरिद्वार के बहादुराबाद की, जहां पर मीनाक्षीपुरम कॉलोनी है जो कि अवैध तरीके से वहां पर प्लॉट बेचे गए हैं प्रॉपर्टी डीलर, लेकिन अब हाथ खड़े कर रहा है, लोगों को समस्या हो रही है क्योंकि निकासी पानी की नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी जो है वो तालाब में तब्दील हो गई है। हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने जब इस खबर को चलाया है और प्रॉपर्टी डीलर से बात करने की कोशिश की, रवि चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं लोगों से और जल्द ही से जल्द इसका निस्तारण भी हो जाएगा। अब देखना होगा कि 8 से 10 दिन बाद इसका निस्तारण हो पाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।